vamos. मन करे तो घी या तेल लगाया जाए या तो सूखा आटा लगाया जाए, तो छोटा छोटा इस तरह हम मोड़ लेते हैं। इसी तरह सारा कर लेंगे। जितना आप सबको ज़रूरत है उतना सब ऐसे इसी तरह बना लेंगे। उसके बाद दाल में डाल देंगे। उसके बाद अगले कहीं कहीं इसको दलफरा बोलते हैं, कहीं कहीं दाल पीठा भी बोला जाता है। अब आप लोग क्या बोलते हैं तो आप लोग जानेंगे, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग के यहाँ बोला जाता है। ऐसे से बना के रख देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा दाल के साथ खाने में। ये हमारा नॉर्मल दाल बन चुका है, अरहर का दाल है। इसमें हम हल्दी, नमक, मिर्चा, लहसुन सब कुछ छोड़ दिए हैं। उसके बाद में हम ये जो बनाए हुए हैं फरा, इसको डाल देंगे। बहुत अच्छे से हमारा दाल फरा बनके तैयार हुआ है। भरते के लिए हमने दो बैंगन ले लिए हैं। इसमें थोड़ा हल्का हल्का सा शीरा लगा देंगे, ठीक है। परवल भी भून लेंगे, इस साइड से निकाल लेंगे इसको। लहसुन छील लिए हैं, लहसुन को बैंगन में घुसा देंगे। लिट्टी में भरने के लिए पिसा हुआ चना, चना को भुना हुआ चना पीस लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, लहसुन, एक गरम मसाला, मिर्चा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ये या तो आमचूर पाउडर मंगा लो या तो मतलब हमने खटाई वो ले लिया है अचार आम का खट्टा करने के लिए कुछ। ऐसे सारा मिक्स कर लेंगे। जरा सा पानी मिला लेंगे हल्का सा। बस बहुत अच्छा बना है। लिट्टी का आटा थोड़ा रोटी की अपेक्षा थोड़ा टाइट होना चाहिए, तभी बहुत अच्छा लिट्टी बनता है। इसी तरह सारा बना के रखेंगे। बैंगन टमाटर परवल हमारा हो चुका है।
लिट्टी भी फटने लगा। बस ये भी हो जाएगा 2 मिनट में, ये भी पकने जो फट रहा है ये समझो पक चुका है। सिलो आज पे सेकेंगे तो बहुत ही टेस्टी लिट्टी बनेगा। परवल बैंगन सब टमाटर को धुल लेते हैं। उबला हुआ आलू है आलू उबला हुआ है, दल फ्राई, ये लिट्टी चोखा, दूध। हमारा ये हेल्दी खाना तैयार है। अगर ये आपकी मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना।